सो गाइस इट्स फाइनली टाइम। तो गाइस वीडियो थंबनेल सबको पता लग गया होगा, फाइनली आफ्टर वन मंथ अब हमारी बाइक ठीक होने जा रही है। हालत थोड़ी गंदी है पर चलो कोई बात नहीं, स्टोरी अब ज़रा मोटो व्लॉग करेंगे। और उसका पेट्रोल डलवाने वाला हुआ हुआ कि आई डोंट नो कितना पेट्रोल है वैसे, पर फिर भी चलो मोटो व्लॉग करते हैं, आपको मिलते हैं। तो गाइस क्या हाल चाल आप सबके, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थ्राइव एके राइव। और गाइस ये है हाल अपनी बीस के है। तो बात मैं सीधी सीधी करूँगा, देखो यार मैंने ना पार्ट मंगवा के रखा हुआ कहीं से इसका, ठीक है जी वो अब तक नहीं है। ओए 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 गाइस देख रहे हो, फिर मैं सीधी सीधी बात करता हूँ आपसे, मैंने ना इसका पार्ट कहीं से मंगवा के रखा हुआ था, ठीक है जी, पर वो पार्ट कभी आया ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, ये नहीं है बड़ा चढ़ा के मैं किसी बंदे का नाम नहीं लूँगा जिससे पार्ट भी मंगवाया, बस किसी से पार्ट मंगवाया पर वो चला नहीं। और फिर हमने जब सारी उम्मीदें खो दी थी तो पापा ने कहा कि हमारा ना एक्चुअली एक लोकल दुकान के पास ना एक मैकेनिक है बाइक का, यह उसने मेरी बथेरी बाइक ठीक की हुई है, पहले जब पापा छोटे थे उससे कराते थे, तो बस फिर उसको फ़ोन किया कि यार पता करवा दे। उसने कहा कि सीधा यार चल जाओ ये पतली घर वाले अम्मा आ गए शोरूम में उधर चल जाओ, या फिर अपना एक केस मोटर कॉर्नर की तरह मैंने कहा नया खुला उधर चल जाओ। दोनों जगह गए, पूछा पुतली घर वाले पे ऑलरेडी पिस्टन किट पड़ी हुई थी, यस गाइस पिस्टन किट पड़ी हुई थी ऑलरेडी। तो बस फिर मैं कहा यार जाते हैं, उन्होंने राउंड एक दोनों ने एस्टिमेट दिया है, ऑब्वियसली जी तेन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यू नो, क्योंकि उनके पास में यार वो है एक अपर वाला है, तो जब भी कोई चीज़ आएगी ना पहले उनके पास आएगी, उनको ना ये चीज़ का वो फ़ायदा है। अब ये ऐसा मतलब मेरे दोस्त उन्होंने तो हिंदू भाई साहब उन्होंने बताया था कि ये कोई मतलब बेसिकली ना जो पुतली घर वाला वो बेसिक है, वो बेसिक नहीं है, तो इसमें ये फ़ायदा उनको कि कोई भी चीज़ मंगाएंगी, जैसे अगर मैंने कल को कोई सुपर बाइक लेनी होगी यामा आर वन यामा से, ठीक है जी, अगर यामा आर वन फिर से आती है तो अगर मैंने दोनों शोरूम पे बुक करवाई है सौ लोग कहते पहले एक केस वाले पे आएगी, कहते कि उनको ये चीज़ का बेनिफिट है, मैं कहा ठीक है जी। तो अब पर एक केस वाले के बस तो था नहीं, ऑन द स्पॉट नहीं था, मैं कल पूछ के आया हूँ इसका, तो उन्होंने पुटी कर सर है आ जाओ आप, मैं कहा ठीक है, मतलब पेमेंट कैसे करूँगा सर, पहले सर बाइक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपसे पेमेंट ले लेंगे, मैं कहा ठीक है। गाइस आफ्टर सो मंथ्स आई एम ड्राइविंग इट, मतलब इतना मज़ा आ रहा है सच में, हाँ ये नक 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 की आवाज़ है, बहुत ज़्यादा चिड़ रहा हूँ मैं इससे अभी भी, बट फिर भी ना ये इसको दिख नहीं रहा गाइस, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है, कहते ऐसे मेरे को बंदे समझ में नहीं आते। चलो गाइस देखो थार 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 क्रेटा, लोगों के पास गाइस पता नहीं कितना ही पैसा आ गया है, गाइस सच में पता नहीं ड्रीम था मेरा ये, जब मेरे चाचू लेके जाते थे ना मैं बस खड़े रहते देखता था, मैं कहा एक दिन मैं भी लूँगा ये महार, मेरे को क्या पता किस्मत में यही थी किस्मत का चक्कर, समय का पहिया चलता है दिन ढलता है रात आती है, मतलब चला रहा हूँ, मतलब मैंने जब इसको पहले दो महीने चलाया है ना उसने इसने मेरे को क्या एवरेज निकाल के दी है, क्या परफॉर्मेंस इसने मेरे को निकाल के दी है, मैं एब्सोल्युटली लव दिस बाइक सच में। अगर किसी ने भी खरीदनी होगी ना यामाहा की ये वाली तो भाई खरीद लेना, ये तो पहली बात तो इसकी एवरेज बहुत है, दूसरी इसकी पावर भी बहुत है, यामाहा आर 15 वर्जन 1 से मेरे को उसकी थोड़ी सी पिकअप ज़्यादा तेज लगती है,
वर्जन 3 वर्जन 4 से थोड़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। ठीक है जी, ये ठीक है जी, एवरेज भी निकाल देती है, एवरेज तो यार देखो सारी निकाल देती है। जो R15 वर्जन 1 है ना उसके आपको पार्ट्स की दिक्कत आती है, वर्जन 2 से चीज़ सेम ही है, पर फिर भी वर्जन 2 के बाद सबको ईजीली रेडीली अवेलेबल मिल जाएंगे, पर जो वर्जन 3 वर्जन 4 उसके शायद ना मिले, उसके लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। सो हियर इज द बैक पॉइंट ऑफ द स्पाइक। होए 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 गाइस, ये तो रश ही बड़ा है यहाँ पे गाइस, रश है ना ना 200 मीटर करता हुआ रश होगा। सो गाइस पेट्रोल डलवा लिया जी, अब फिर भी पिकअप है मेरे ख्याल से ना, ये शायद पहले रिजर्व पे थी इसलिए पिकअप नहीं आ रही थी। ओए होए गाइस, गर्मी ने उतरा निकाला हुआ मेरा भी मेरे मोबाइल का भी, ऊपर से मैंने काला कवर डाल के रखा हुआ मोबाइल पे यार, एक ना कवर लेना हमेशा भूल जाता था मोबाइल के लिए कोई बढ़िया सा, मतलब लाइट कलर, और जाके एक लाइट कलर की लोड पड़ेगी। गाइस यूज दिला दो, थोड़े पैसे आने चलो जी, गोप्रो ले लेंगे मौका सौखा होके, थोड़ा यू नो मतलब सपोर्ट करो, मैं भी करता हूँ, मेरी एक पूरी ये सीरीज है बैट मोबाइल की, तो ज़रा शेयर करो यार जाके। चलो गाइस मिलते हैं जी आपको बाद में। तो यार बातचीत तो सारी हो गई हुई है, तो बस अब मनीष भाजी का वेट कर रहे हैं हम, वो सर मिले हैं सर बड़े वधिया, तो बस ऐसा ही है कुछ वहाँ पे गगन सर हैं, क्योंकि बड़ी गंदी गंदी हो गई है, ये तो बाद में भी हम करवा लेंगे, तो बस यही है उसकी नंबर प्लेट चेंज करवानी है, लगवाऊंगा तो ये बोली वो इंडियन वाली नंबर प्लेट मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो बैडमिंटन वाली ही लगेगी ये भी ठीक रहेगी, तो इसके ये करवाने चेंज। तो मिलते जी आपको 2 दिन बाद, ऑलमोस्ट की 2 दिन का टाइम मिला, वैसे बंदे यहाँ पर बढ़िया हैं, यहाँ मैनेजर बैठा हुआ सब बातचीत गप शप ही मार लिए हमने, मनीष भाजी को फ़ोन किया सर 10 मिनट लगेंगे हम कहाँ पे इसमें का फिलो आ जाओ, बाकी फाइनली अपनी बाइक ठीक हो रही है। एक मिनट थंबनेल फोटो भी हो जाए ना, थैंक यू वेरी मच अनीश, थैंक यू वेरी मच भाजी, और आ गए जी एक मिनट यार, थैंक यू सर, और मैं ना ऊपर जाके उनसे पूछने लगा, मैं कहा सर मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल दिखा दो, तो आप दो देखे एमटी ते वो यामाहा, ना ना तो मैं ठीक ही कराने लगा, मैं कहता ही मैं सर वैसे तो ठीक करवा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, कहते कोई बात नहीं सर देख लो उसमें क्या है, उसमें कितने पैसे लग जाने हैं, पिस्टन आ गया, पिस्टन आ, ओ पिस्टन है इधर, मैंने पहले ना चल यहाँ पे नहीं बोल सकते, गणेश जी आ गए सानू लैन, वैसे ये कोई रैंडम ये जब ये ब्लॉग आप देख रहे, इसके बाद जो आप ब्लॉग देखोगे आपको तब समझ में आएगा कि गणेश भाई हमको क्यों लेने आए हैं, क्या रीज़न था, क्या बातचीत है। तो अभी हम जा रहे हैं जी कुछ खाने पीने, भूख लगी गई बहुत ज़्यादा इसको भी और मेरे को भी, डाइटिंग का भी पार्ट में है ना गाइस, मिलते हैं आपको। अरे इतनी बार गर्मी है ना, तो फ़ोन तो भट्टी हो गया था मेरा लिटरली, और मैं कहता हूँ मैंने एक्टिवा लेनी है एक आधी मार ली भाई, उन्होंने कहने भाई 30,000 चको एक्टिवा सू दे दो, एक चाबी भी गई साथ में लगी हुई है, बोलो डक ली बंदा ही कल्ला ही, चलो गाइस क्या करें हम, पूरे पैसे लेके कर लेंगे, क्या जा रहा है वो मेरी बड़ी कादी प्रा मेरी तनु की दसी है उन्हें। चलो गाइस मिलते हैं जी, तो गाइस क्या हाल चाल है सबके, तो ये जो आपने दो वीडियो देखी है ना, एक ये बाइक को छोड़ने वाली और इसके अगली वाली जो आप देखोगे, एडिट करके रखी हुई थी पोस्ट नहीं कर पा रहा था मैं,
मैं टाइम देख रहा था, उन्होंने से कहा था कि बाइक दो दिन में मिल जाएगी, पर ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं होता। बाइक थोड़े दिनों बाद ही मिली थी, अब बाइक रह गई तो अब मैं नहीं लेके जा पा रहा क्योंकि मेरी टूर है। तो अब हम बाइक मैं परसों जाऊँगा या फिर उसके एक दिन बाद जाऊँगा, तो फिर रुक जा, तो फिर मैं तभी वीडियो एक वीडियो आज डालूंगा, एक कल लगेगी परसों वाली आपको, परसों या फिर उसके एक दिन बाद आपको बाइक की वीडियो मिलेगी। चलो गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। व्लॉग किसी भी रीजन से अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं आपको किसी ऐसे अगले व्लॉग में।